दोस्तों, ये है यहाँ पर लेटेस्ट पिक्सेल एक्सपीरियंस कस्टम रोम हमारे असिस के एक्सपेरिमेंट के लिए। फाइनली यहाँ पर इसके अंदर जो है अप्रैल के सिक्योरिटी पैच लेवल का यहाँ पर अपडेट आ चुका है एंड यहाँ पर कुछ नए फीचर्स भी आ चुके हैं इसी के अंदर। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ नए फीचर्स भी दिखाऊंगा, जैसे कि बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो गया, फेस अनलॉक हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और खास करके मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको भी इंस्टॉल करना है लेटेस्ट पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम अपने असस के एक्सपेरिमेंट स्मार्टफोन के ऊपर, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर पिक्सेल एक्सपीरियंस कस्टम रोम को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने डिवाइस का एक प्रॉपर बैकअप ले लेना है। दोस्तों, बैकअप के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो बना दी है कि आप अपने असिस के एक्सपेरिमेंट का जो है कैसे एक प्रॉपर बैकअप ले सकते हो, तो वो वाला वीडियो आप मेरा चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें। तो फ्रेंड, जैसे ही आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट पिक्सेल एक्सपीरियंस का जो कस्टम रोम होता है आपको उसे डाउनलोड कर लेना होगा अपने SD कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है पिक्सेल एक्सपीरियंस का रोम कैसे डाउनलोड करना है, तो सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है या फिर आप किसी भी ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइसेस के टैब में जाना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली आपको अपना असिस का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर जो भी लेटेस्ट रोम अवेलेबल होगा आपके फ़ोन के लिए आपको सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसका चेन लॉक देख सकते हो। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनिशियल ऑफिशियल बिल्ड है एंड यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर वाईफाई के रिगार्डिंग कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं इस नए अपडेट के अंदर एंड यहाँ पर कुछ ओवरलेस को भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है स्टॉक रोम से। यहाँ पर हेडफोन का जो ऑडियो है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो चुका है पहले से एंड यहाँ पर जो भी पहले प्रीवियस सारी अनऑफिशियल बिल्ड्स थी उसमें से सारे चेंजेस को भी यहाँ पर अडेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप कोई भी पुराना पिक्सल एक्सपीरियंस भी यूज करते थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस रोम को अभी डाउनलोड करने वाले हो और इंस्टॉल करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लीन इंस्टॉल ही करना। अगर आप डर्टी फ्लैश वगैरह करोगे, डायरेक्टली से फ्लैश करोगे बिना वाइप किए, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बग्स वगैरह आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई कीजिए कि आप क्लीन फ्लैश करें एंड अगर आप क्लीन फ्लैश कर सकते हो तो काफी अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पर इस रोम को यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे अपने SD कार्ड में एंड बैकअप वगैरह भी सारा चीजें कर दोगे, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर अपने डिवाइस को जो है सिंपली रिकवरी के अंदर बूट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने कस्टम रिकवरी के अंदर बूट कर चुका हूँ। यहाँ पर डेमो के लिए मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप में से कोई व्यूअर जो है पहली बार यहाँ पर कस्टम रोम वगैरह को फ्लैश करने वाला है एंड वो यूज़र जो है स्टॉक रोम पे है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार बैकअप में जाके सिंपली न्यू बैकअप करना और यहाँ पर आपका जो प्रेसिस्ट इमेज होता है उसका बैकअप ज़रूर ले लेना। एंड ये स्टेप मैं सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जो कि यहाँ पर स्टॉक रोम में है एंड अभी वो पिक्सल एक्सपीरियंस को फ्लैश करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर प्रेसिस्ट का बैकअप ज़रूर ले लेना, ये आपके काम आ जाएगा फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पर आप चाहो तो सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके सिंपली पूरा बैकअप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं बैक चला जाता हूँ एंड मैंने वैसे यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने प्रेसिस्ट का बैकअप ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है एंड बैकअप लेने के बाद यहाँ पर आपको आना होगा सिंपली वाइप के अंदर। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, वेंडर, सिस्टम, इंटरनल स्टोरेज, डेटा कैशे, डेल्विक कैशे एंड आपको माइक्रो SD कार्ड को भाई सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसा मत करना कि भाई माइक्रो SD कार्ड को भी आप लोग यहाँ पर वाइप कर दो और फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, कस्टम रोम इंस्टॉल कैसे करोगे। तो यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड को छोड़ के बाकी सब चीज़ें सिलेक्ट कर लेना और सिंपली सिलेक्ट टू वाइप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर वाइप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली आना होगा यहाँ पर फाइल्स के अंदर एंड यहाँ पर आपको आपका अपना SD कार्ड यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर जहाँ पर भी आपने पिक्सल एक्सपीरियंस का जो रोम है जहाँ पर भी आपने उसे डाउनलोड किया था, सिंपली आपको उस लोकेशन को ओपन करना है, रोम को सिलेक्ट करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर स्वाइप टू फ्लैश कर देना है एंड आपका जो रोम है यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमें यहाँ पर सक्सेसफुल का जो मैसेज है यहाँ पर दिखा रहा है एंड यहाँ पर
आप चाहो तो एक बार यहाँ पर वाइप कैशे भी जो है एक बार कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को जो है यहाँ पर रिबूट सिस्टम कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं वैसे यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको मैजिस मैनेजर भी जो है इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई बैंकिंग ऐप्स जो हैं काम नहीं कर रही हैं। एंड इसका जो मेन इशू है वो यहाँ पर गूगल की तरफ से ही आ रहा है। गूगल ने यहाँ पर कर क्या दिया है कि बेसिकली अगर आपके फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक्ड है तो उसके अंदर आपका जो डिवाइस है यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं होगा। आप सभी को पता है कि प्ले स्टोर के अंदर हमें अपने डिवाइस का जो है सर्टिफाइड या फिर नॉट सर्टिफाइड का एक मैसेज दिखाता है। तो अब यहाँ पर गूगल ने कर क्या दिया है कि बेसिकली अगर आपके फ़ोन का यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक्ड होगा तो आपका जो डिवाइस है डायरेक्टली यहाँ पर अनसर्टिफाइड हो जाएगा, एंड सेफ्टी नेट के अंदर भी जो आपका डिवाइस है यहाँ पर फेल कर जाएगा। तो अगर आपको अब बैंकिंग ऐप्स को यहाँ पे यूज़ करना है तो आपको मजबूरन यहाँ पर मैजिस मैनेजर को जो है इंस्टॉल करना होगा। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर मैजिस मैनेजर का जो वर्जन 20.3 वाला है आप सिंपली सबसे पहले उसे इंस्टॉल करें। अगर वहाँ पर आपको CTS जो है मतलब आपका जो सेफ्टी नेट है अगर ट्रू नहीं दिखाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर 20.4 वाला इंस्टॉल करना। पहले आप यहाँ पर 20.3 को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, शायद आपको इसके अंदर जो है यहाँ पर CTS ट्रू दिखा दे। बाकी यहाँ पर भाई फ्यूचर के अंदर तो वैसे भी यहाँ पर सबका जो सेफ्टी नेट है वो यहाँ पर फेल होने ही वाला है, क्योंकि अब ये गूगल ने भाई अपने इंटरनली यहाँ पर कर दिया है तो हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं बैंकिंग ऐप्स का। आपको मजबूरन अब कस्टम रूम्स के अंदर जो है मैजिस मैनेजर को इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पर चलिए मैं अपने डिवाइस को जो है यहाँ पर बूट होने देता हूँ और जल्दी से मैं अपने फ़ोन को यहाँ पर सेटअप भी कर लेता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है परफेक्टली मैंने पूरी तरीके से सेटअप कर लिया है। अभी भी थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पर रीस्टोर हो रहा है। एंड यहाँ पर चलिए मैं आपको एक बार प्ले स्टोर के अंदर जो है गूगल प्ले की सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो डिवाइस है यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड दिखा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ये गूगल की तरफ से ही हो रहा है, इसमें डेवलपर की कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैजिस मैनेजर की तो मैजिस मैनेजर के अंदर भी यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि भाई CTS जो है यहाँ पर फेल हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो CTS प्रोफाइल फॉल्स। एंड यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स वगैरह को यूज़ करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मैजिस मैनेजर को जो है इंस्टॉल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस 3 डॉट मेन्यू के अंदर जाना है, यहाँ से सिंपली आपको जाना है सिंपली मैजिस हाइट के अंदर। तो यहाँ पर आके सिंपली आपको अपनी बैंकिंग ऐप्स को जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं गूगल पे को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड जैसे आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार अपने फ़ोन को जो है रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है फ़ोन पे वगैरह किसी भी ऐप के लिए। अगर आप यहाँ पर फ़ोन पे यूज़ करते हो या फिर भीम या फिर कोई भी UPI बेस्ड ऐप तो यहाँ पर आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को जो है सिंपली यहाँ पर रीबूट कर देना है। एंड उसके बाद आपको नॉर्मली अपने बैंकिंग ऐप को जो है सेटअप कर लेना है। एंड आप जो है अपनी बैंकिंग ऐप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए जो है एक बार अपना गूगल पे भी एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा गूगल पे, एंड चलिए मैं इसे जल्दी से जो है सेटअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा गूगल पे जो है यहाँ पर प्रॉपरली ऑन हो चुका है, और यहाँ पर मैं अपना UPI ID को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो UPI ID था मैंने उसे यहाँ पर परफेक्टली ऐड कर दिया। एंड आप देख सकते हो मेरा पेमेंट Paytm का जो पेमेंट्स अकाउंट है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से गूगल पे जो है काम कर जाएगा। फ़ोन पे के लिए भी आपको यहाँ पर सेम मेथड फॉलो करना है, सिंपली आपको मैजिस मैनेजर के अंदर जाना है, मैजिस हाइट के अंदर जाके सिंपली आपको फ़ोन पे को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपने फ़ोन को जो है रीस्टार्ट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप अपनी बैंकिंग ऐप को जो है यूज़ कर पाओगे। एंड बात करते हैं कुछ नए फीचर्स की, तो जैसे कि मैंने कहा था अप्रैल के सिक्योरिटी बैच अपडेट के अंदर यहाँ पर आपको कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर आपको फाइनली फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर जाके सिंपली सेटअप कर सकते हो। मैं यहाँ पर फेस अनलॉक को यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि फेस अनलॉक कैसा आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना फेस जो है ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फेस अनलॉक जो है कितना यहाँ पर फास्ट हमें देखने को मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा भाई फेस अनलॉक काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड मुझे फेस अनलॉक जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया है। एंड साथ साथ यहाँ पर आपको एक और काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट का, आपको मैं वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको सिंपली इस बटन पर टैप करना है, उसके बाद जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो, यहाँ पर इसे क्रॉप कर सकते हो या फिर अपनी कुछ भी भाई कलाकारी यहाँ पर करके ड्राइंग कर सकते हो। तो जो चाहे भाई आप इस स्क्रीनशॉट के साथ जो है कर सकते हो अपने Asus के Max Pro M1 के अंदर। यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी जो है मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड यहाँ पर साथ साथ आपको भाई इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो अभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है एंड मैंने इसके बारे में भाई डेवलपर से बात की, उन्होंने कहा है कि भाई फ्यूचर अपडेट के साथ ज़रूर से इसका जो पूरा लैग वगैरह है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा और यहाँ पर मैं आपको फिर भी ट्राई करके दिखा देता हूँ एक बार। तो बस आपको सिंपली इस पर टैप करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर मैं बस कुछ इस तरह से यूज़ करके सिंपली वापस से स्टॉप कर देता हूँ उसे। एंड एक और चीज़ वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भाई 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो वो जो है सेव नहीं होगी। ये अभी भाई इसमें एक बग चल रहा है जो कि यहाँ पर फ्यूचर अपडेट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं आपको इसकी क्वालिटी जो है दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एंड अब मुझसे कुछ यूज़र्स पूछेंगे कि भाई यहाँ पर सिस्टम अपडेट्स आएंगे कि नहीं। तो भाई सिस्टम अपडेट्स भी यहाँ पर ज़रूर से आएंगे। यहाँ पर अब आपको फ्यूचर से जो है सारे अपडेट्स यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको अगर कोई भी अपडेट वगैरह आएगा पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर तो आपको सिंपली सिस्टम के अंदर आना है। यहाँ पर आपको सिंपली सिस्टम अपडेट के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको जो भी अपडेट वगैरह अवेलेबल होगा वो देखने को मिल जाएगा। एंड साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपडेट का जो सिस्टम अपडेट का जो लेआउट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड मुझे ये नया लेआउट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी बैच लेवल भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही कुछ था आज के इस इंस्टॉलेशन वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। एंड यहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर से दबाना एंड वहाँ पर ऑल भी जरूर से सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज @androidosh को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पिक्सल एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करने के टाइम। एंड यहाँ पर मैं ज़रूर से इसका एक क्विक रिव्यू भी यहाँ पर लेकर आऊँगा तो आप उसके लिए भी ज़रूर से स्टे ट्यून करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को इतने रखते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित कुकरेजा, आप देख रहे हैं द एंड्रॉयडोश यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर।